मेहनत कर ली लाइफ में, बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, अब मुझे लगता है ये अंडर मेरे से कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी सक्सेस नहीं मिली मुझे और मुझे लगता है आगे भी नहीं मिलेगी और यही मेरी स्टोरी का एंड है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो कि डिप्रेशन से इतने ज्यादा जूझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं अपनी लाइफ में। आज मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी ऐसी मेंटल इलनेस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके नज़दीक नहीं आने वाली, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपने गोल्स ज़रूर बनाए। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मकसद रखें जिसको पाने के लिए आप पागल रहें, और चाहे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, पर वो गोल्स आपके दिमाग में हमेशा रहें, वो एम अचीव करने के लिए आप हमेशा पागल रहें, और जिसके कारण इस एम को पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए हमेशा आप बिजी रहेंगे। क्योंकि आप हमेशा, अगर आप भाग नहीं सकते उसकी तरफ, तो आप पैदल चल के उसकी तरफ जाओगे, और हमेशा अपने दिमाग में यही रखोगे कि मैंने अपना कोई ना कोई गोल अचीव करना है। और आप ऐसी सारी चीज़ें, या गर्लफ्रेंड हो या कोई और मेंटल टेंशन हो, इन टेंशनों से बाहर आओगे जब आपके लाइफ में कोई ना कोई गोल होगा, और आप हमेशा बिजी रहोगे, आपके दिमाग में ऐसे गंदे विचार नहीं आएंगे जिसके कारण आपको जो है और आपके घर वालों को प्रॉब्लम उठानी पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं किस बारे में बात करूँ, आप सब समझते हैं। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, किसी बारे में ऐसी चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा यूथ जो अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अपने गोल बनाना शुरू कर दें, कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए हमेशा पागल रहें, ठीक है। पर अब ये लोग कह देंगे कि जो अभी एग्जांपल है उसमें भी तो वो जो है अचीव कर रहे थे, बहुत कुछ अचीवमेंट की, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई? आपको मैं सेकेंड पॉइंट बता देता हूँ, उससे समझा देता हूँ। अपनी छोटी छोटी खुशी को भी, छोटी छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करो, हमेशा खुश रहो। ये खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सेटिस्फाइड हो के आराम से ज़िंदगी जीना शुरू कर दो और कोई गोल ना रखो लाइफ में, कुछ अचीव करने की कोशिश मत करो, सेटिस्फाइड ज़िंदगी नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ को खुशी से मनाओ, जो भी आपने अचीव किया है उसमें खुशी मनाओ, और सक्सेसफुल होने की तरफ हमेशा ही भागते रहो। सेटिस्फाइड नहीं होना, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना। जो आज पोजीशन है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, हमेशा उससे आगे निकलने की कोशिश करनी है, उससे ही बढ़िया मकाम अचीव करने की कोशिश करनी है। सेटिस्फाइड कभी नहीं होना, पर अपने गोल्स को भी उस हिसाब से आगे आगे लेके जाना है, और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को भी हमेशा खुशी मनानी है। कहने का मतलब है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपका अगर 20% बॉडी फैट है, अगर आप एक महीने में 19% बॉडी फैट पर आ जाते हो, उसको भी सेलिब्रेट करो, ठीक है, उसको भी सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट मतलब कि उसको गुड सेंस में सेलिब्रेट, ये नहीं कि आप शराब वगैरह पीने लग पड़े, इंजॉयमेंट करें, पिज़्ज़ा बर्गर खाने लग पड़े, वो वाली सेलिब्रेशन नहीं। खुशी, दिल से खुशी हो जाओ, अपने आप को एक वो दो, पैर दो एक कि हाँ मैंने आज करके दिखाया, और अपने आप को कंपैरिजन, लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो कि यार वो बॉडी, मेरा तो 19% बॉडी फैट हुआ है एक महीने में इतना हार्डवर्क करने के बाद, वो बॉडी बिल्डर तो 6% बॉडी फैट पे है, या वो जिम में जो लड़का है वो तो 5% बॉडी फैट पे है। ऐसे कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। अपने गोल्स अपने दिमाग में रखिए, उनको अचीव करने के लिए पागल रहिए, और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट की खुशी मनाइए, ताकि हमेशा ही डोपामाइन, सेरोटोनिन और जो ऑक्सीटोसिन नाम के जो हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा रिलीज़ होते रहें और आपको हमेशा खुशी प्रदान करते रहें। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिन लोगों को भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाती है वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, पर मैंने उसका भी वो चीज़ बता दी कि आपको क्या सोल्यूशन है। अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स की खुशी मनाओगे, तो एम्बिशन जितना भी बड़ा हो, जितना भी बड़ा आपका एम हो, आप कभी ना कभी वहाँ पहुँच ही जाओगे मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, आपके सामने कोई भी मेंटल इलनेस नहीं आने वाली। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है, अपने माता पिता, अपने जो घर वाले, उनसे बात करते रहिए, फ़ोन पे ही, चाहे आप दूर रहते हैं, कम से कम रोज़ आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी रिश्तेदारों से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, या हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, ठीक है, मैं सच्चाई कहूँगा। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं, ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि हमारी सक्सेस को नहीं देख सकते। मैं सिर्फ अपने माता पिता की बात कर रहा हूँ, आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ। डेली रोज़ ये आदत कर लीजिए कि एक बार दिन में अपने माता पिता से ज़रूर बात करनी है, वो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डालते हैं, वो आपको जीने की स्ट्रेंथ देते हैं, उनसे ही आपका वजूद है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है उन्हीं से मिलेगी,
ठीक है, और हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि इन दोनों की खुशी के लिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना और ऐसे डिप्रेशनों से दूर रहना है। मुझे अपनी लाइफ से प्यार है क्योंकि मेरी लाइफ इनके साथ भी जुड़ी है, मेरे पास अपनी लाइफ का कोई हक नहीं है, मुझे इन्होंने मेरे माता पिता ने ये जिंदगी दी है, मुझे इसको ख़त्म करने का कोई हक नहीं है, मेरे माता पिता की जिंदगी दी हुई मुझे वो वरदान उन्होंने दिया है, मुझे ये चीज़ उनके द्वारा दी गई है, ठीक है, ये लोन एक तरह से उन्होंने हमें दिया है, हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि हमारे पे पूरा अधिकार सिर्फ हमारे माता पिता का है। तो ये ऐसी गलती कभी ना करें मेरे भाई, सभी डिप्रेशन से निकल जाएंगे अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो करें, अपने गोल्स बनाएं, उनको अचीव करने के लिए हमेशा पागल रहिए, बिजी रहिए, और ठीक है, सेकेंड चीज़, छोटी से छोटी अचीवमेंट की भी खुशी मनाइए, ताकि आप जितने भी एम्बिशियस रहिए आपको उस प्रोसेस में भी, उस रास्ते में भी, अपने गोल्स को अचीव करने के उस रास्ते के दौरान भी खुशी का अनुभव होता रहे, खुशी महसूस होती रहे, ताकि आप जो है हमेशा खुश रहें, और खुश इंसान जो होता है डिप्रेशन उसके नज़दीक कभी नहीं आता। थर्ड चीज़ जो है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है अपने माता पिता से कॉन्टैक्ट रखिए, बात करते रहिए उनसे, उन्हीं से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उन्हीं वही आप जो आपका वजूद है उन्हीं से है, ठीक है। और लास्ट में एक मैं बोनस पॉइंट दूंगा, जिम, जो मेरे जिम लवर्स ब्रदर हैं, अपने जिम का टाइमिंग बढ़ा दीजिए भाई, अगर एक घंटा जिम लगाते हो और आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक है, मेंटल इलनेस का शिकार हो रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, भाई जिम में ज़्यादा वर्कआउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल लॉस हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी ज़्यादा जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, मसल तो फिर से गेन कर लोगे। मैं उनको कह रहा हूँ जिनको लगता है कि ज़्यादा वर्कआउट करने से मसल लॉस हो जाएगा, हालांकि मसल लॉस होता है, पर ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, मसल जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मसल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको हमेशा खुशी के साथ मनाएं, अपने माता पिता का हमेशा आदर करें, उनसे बात करते रहिए, और जिम का टाइम हमेशा बढ़ा दें अपना, जब भी आपको ऐसी मेंटल प्रॉब्लम लगे मॉर्निंग में कार्डियो करें, शाम को वर्कआउट करें, ताकि एटलीस्ट आपके डेढ़ से दो घंटे जो है जिम में ही डेली निकल जाए, और आपको जो डोपामाइन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसके कारण वो आपको पूरे दिन में वो खुशी देता रहेगा, वो पूरे दिन में आपको वो कॉन्फिडेंस देता रहेगा, और जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है वो ऐसे डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होता, डिप्रेशन का शिकार वही होता है जिसमें कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डगमगाता जाता है, जो कि इन्फीरियरिटी महसूस करने लग पड़ता है कि मैं बहुत कम हूँ, लोग सब आगे निकल रहे हैं, या मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये तीन पॉइंट है, और साथ में एक बोनस पॉइंट दिया, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को वो रॉकेट्स में पहुंचा देंगे, एक ऐसा मुकाम में पहुंचा देंगे कि आप जो है एक स्ट्रेंथ की मिसाल बन जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे खुश रहते हो, इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आप में कैसे आती है, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लव यू, बाय।